हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट 6.2 मैथ क्लास 8 महाराष्ट्र बोर्ड करने जा रहे हैं। इसमें फार्मूला यूज़ हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी ए उसके ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला किस तरह से डेवलप हुआ है, डेराइव हुआ है, उसको हम लोग डेराइव करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। वी नो दैट ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब का ये फार्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इक्वल टू के साइन की एक तरफ तो ए प्लस बी होल क्यूब है, ये फार्मूला ऑलरेडी स्टडी हम लोग कर चुके हैं, ये पहले चैप्टर्स में ऑलरेडी इसका इस्तेमाल हो चुका है एक्सपेंशन फार्मूला में। ये एक्सपेंशन फार्मूला में ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक तरफ रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसको एज इट इज रहने दिया और बाकी क्या चीज़ है यहाँ पे, बाकी चीज़ यहाँ पे है ए प्लस बी होल क्यूब। ए प्लस बी को होल क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर को इक्वल टू के साइन की दूसरी तरफ ले गए। तो इक्वल टू के साइन की जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो ए प्लस बी होल क्यूब ही रहने देंगे माइनस। अब यहाँ क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में थ्री ए बी कॉमन है, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ भी, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ भी, बी यहाँ भी, थ्री ए बी हमने कॉमन ले लिया। थ्री ए बी जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ ए बच गया। अब ये साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन प्लस हो जाएगा, इसलिए ऑलरेडी माइनस ब्रैकेट के बाहर हमने ले लिया है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी होल क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। उसके बाद अब क्या करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जिस तरह से अगर कहीं पे एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ये टू इसका पावर टू है, इसका पावर वन है, दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, एक्स क्यूब के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी हमने काम किया, ए प्लस बी का पावर क्या है, वन, और ए प्लस बी का पावर टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए प्लस बी होल क्यूब के बराबर आ जाएगा माइनस थ्री। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है ये अगले स्टेप में समझ में आएगा कैसा आखिर किया, क्या क्यों किया गया, ए प्लस बी को होल क्यूब को ए प्लस बी और ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में क्यों ब्रेक किया गया, ये आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या, इसलिए कि हमें डिराइव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला डेवलप करना है, उसके लिए सब सारा काम किया जा रहा है। अब यहाँ क्या कॉमन आ गया, यहाँ कॉमन ए प्लस बी आ गया, अब यहाँ भी ए प्लस बी है और यहाँ भी ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कॉमन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब इस साइड में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे माइनस थ्री ए बी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ऑलरेडी फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जिस तरह से ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा, इसी तरह से ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंशन फार्मूला में ऑलरेडी स्टडी हम लोग कर चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एक्सपेंशन। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस थ्री ए बी एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब ये ए प्लस बी ए स्क्वायर, यहाँ माइनस थ्री ए बी है और यहाँ प्लस टू ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी प्लस टू ए बी माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस थ्री में से टू जाएगा तो क्या बचेगा, थ्री में से टू जाएगा तो वन बचेगा, और साइन किसका यहाँ पे लगेगा, जो कि बड़ा है, तो माइनस साइन किसके साथ है, थ्री के साथ, प्लस बी स्क्वायर। अल्टीमेटली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला डेवलप हो चुका है यहाँ पे, क्या फार्मूला बन के आया, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये फार्मूला ऑलरेडी इसी फार्मूला के बेसिस के ऊपर, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी फार्मूला के ऊपर बेस्ड हैं। ये फार्मूला किस तरह से डिराइव हुआ ये भी मालूम होना चाहिए, और इसका फार्मूला क्या है ये ऑलरेडी याद भी रहना चाहिए। ए क्यू प्लस बी क्यू इजल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देखिए बार बार इसका इस्तेमाल होगा और क्वेश्चन करते करते हुए भी ये ऑलरेडी याद हो सकता है। प्रैक्टिस सेट 6.2 फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यू प्लस 64 वाई क्यूब, इसको फैक्टराइज किस तरह से करना है, कौन से फॉर्मूला को यूज करना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद फिर एक्स क्यूब और 64 वाई क्यूब, इसको दोनों को होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। तो 64 क्या होगा, 4 4 16 16 4 64 होता है, 64 क्या होता है 64 4 × 4 × 4, तो ये क्या हो जाएगा 4y का होल क्यूब। अब एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब की जगह पे क्या लिखा गया, एक्स क्यूब प्लस 4y का होल क्यूब। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म एक्स प्लस 4y, ये क्या था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ ए प्लस बी, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, उसके बाद फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर ए स्क्वायर है यहाँ पे, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म एक्स इंटू 4y प्लस सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है 4y, 4y का स्क्वायर एक्स प्लस 4y, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया माइनस 4xy, और ये क्या हो गया 4 4 16 वाई स्क्वायर। अल्टीमेटली इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, एक्स प्लस 4y फाइनल स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 पी क्यूब सॉल्यूशन, उसी तरह से सेम प्रोसीजर से करेंगे, पहले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 125 पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। 125 क्या होता है, 5 को 3 मरतबा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा, तो ये 125 की जगह पे 5p का होल क्यूब लिख देंगे प्लस q का होल क्यूब। अब इसके सेम उसी फार्मूला के ऊपर इसको ए क्यू प्लस बी क्यूब के फार्मूला के ऊपर ब्लैक करेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी, तो 5p प्लस क्यू प्लस ए, तो फिर उसके बाद क्या होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 5p का होल स्क्वायर माइनस 5p इंटू क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर, ये 5p प्लस क्यू, ये क्या हो गया 5 5 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, 5p क्यू प्लस 25p स्क्वायर माइनस 5p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वन का थर्ड पार्ट है, इसको फैक्टर करना है, सेम एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट 6.2, यहाँ पे फॉर्मूला को एज इट इज, यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, सॉल्यूशन 125 की जगह पे क्या लिखेंगे, पहले 125 ही लिखने जाते हैं, फॉर्मूला क्वेश्चन को एज इट इज लिखते हैं, 125 के क्यू प्लस 27 एम क्यू, अब 125 की जगह पे 5k हो जाएगा होल क्यू प्लस 3m, 27 क्या होता है 3 × 3 × 3, 27 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3, तो इसको 3 क्यूब भी बोला जा सकता है। तो 25 क्या होता है 5 × 5 × 5, तो 5 क्यूब, इसको यूज करते हुए हम लोग इस स्टेप को आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये सेम फॉर्मूला इसको यूज करना है, 5k का होल क्यूब प्लस 3m का होल क्यूब, तो 5k प्लस 3m, उसके बाद 5k का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म 5k है सेकंड टर्म 3m है प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, 5k प्लस 3m, ये क्या हो गया 5k का स्क्वायर का मतलब 25k स्क्वायर माइनस 5 3 15 km प्लस 9m स्क्वायर। अल्टीमेटली से लास्ट स्टेप हमारा इस क्वेश्चन का 3m 25k स्क्वायर माइनस 15 km प्लस 9m स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2l क्यूब प्लस 4 32 m क्यूब,
12 क्यूब प्लस 432 m³। क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्यूशन एज इट इज क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 12 क्यूब प्लस 432 m³। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ भी ये टू उसका फैक्टर सबसे पहले टू बाहर निकाल लेंगे, इसलिए कि यहाँ भी ये टू है और यहाँ 432 है, 432 टू से कट जाएगा, तो ये टू बाहर निकाल लिया तो एल क्यूब हो गया, यहाँ 432, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 216 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बाहर निकालने के बाद यहाँ क्या बच गया, 216 m³, 2 l³। अब 216 क्या होता है, 216 भी क्यूब के फॉर्म में 216 को ट्रांसफर करना है, अब कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 54, इसको 3 से काटते हैं इसको, 3 9 27, 3 3 9, अब 216 क्या हो गया, 216 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो 2³ इंटू 3³, अल्टीमेटली क्या हो गया, 6 का 2 3 6 6³, 216 को 6³ लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे 6m³, 216 m³ को क्या लिख दिया, 6m³ लिखा, क्यों लिखा, ये 216 जो है वो 6³ के बराबर आता है, 6³ के बराबर, क्योंकि a प्लस b होल क्यूब के फॉर्म में, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना है, इसलिए सब सारा काम करना पड़ रहा है, 2 हो गया। अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे a³ + b³ = a + b ब्रैकेट a² - ab + b² इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, l + 6m, उसके बाद l² माइनस एल इंटू 6m प्लस 6m² ये सब हमारा रफ पार्ट है, ठीक है, 2l + m, उसके बाद ये l² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस 6lm हो जाएगा, और ये 6 6 36m² हो जाएगा, 36m², 2l + m, l² माइनस 6lm प्लस 36m², ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, क्या हो गया, 2l + m, l² माइनस 6lm प्लस 36m², यहाँ तक विजिबल नहीं था, तो ये l प्लस 6m, 2 बाहर रखा, l² a² माइनस ab प्लस b² के फॉर्मूले के ऊपर इसको कन्वर्ट किया, a हमारा क्या है, l है और b 6m है, तो ये l² माइनस a × b, l × 6m प्लस b² 6m² फिर इसको यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई किया, l × 6m क्या हो गया, 6lm हो गया, ये 36m² हो गया, अल्टीमेटली ये हमारा आंसर आ गया। प्रैक्टिस सेट 6.2 फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5, 24a³ प्लस 81b³, फैक्टराइज करना है इसको, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, a³ + b³ = a + b, a² - ab + b² तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन को एज इट इज लिख देंगे, 24a³ + 81b³, इसे होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है, 24a³ को होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है और 81b³ को भी होल क्यूब के फॉर्म में लिखना है। अब उसके लिए क्या करेंगे, 24 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, ये क्या हो गया, 3 × 2³ a³ प्लस 81 क्या होगा, 81 3, ये तो 2 से कटेगा नहीं, 3 2 6, 3 2 6 7, 3 3 से ये 3 × 3, 81 कितने के बराबर आ गया, 81 = 3 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 3³, और यहाँ पे ये 24 कितने के बराबर आया, 24 3 × 2 × 2 × 2, 3 × 2³, ये यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पर यूज़ करना है, 81 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 × 3³ × b³,
अब यहाँ भी थ्री है और यहाँ भी थ्री है, थ्री सबसे पहले बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे टू क्यूब ए क्यूब प्लस थ्री क्यूब बी क्यूब हो गया। थ्री ऑलरेडी बाहर है, इसको क्या लिख सकते हैं, टू ए का होल क्यूब, टू क्यूब और ए क्यूब, टू क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए क्यूब, टू ए का होल क्यूब बात बराबर है। इसी तरह से इसे थ्री बी का होल क्यूब, अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ही आ चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ही आ चुका है। अब ये टू ए प्लस थ्री बी लिखेंगे, टू ए प्लस थ्री बी यहाँ लिख दिया। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमारा टू ए की जगह पर क्या है, टू ए, और बी की जगह क्या है, थ्री बी प्लस थ्री बी का स्क्वायर। थ्री ऑलरेडी यहाँ पे है, टू ए प्लस थ्री बी, ये क्या हो गया, फोर ए स्क्वायर माइनस टू थ्री सिक्स ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर। अल्टीमेटली थ्री टू ए प्लस थ्री बी फोर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए बी प्लस नाइन बी स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा ये रफ पार्ट था, क्या था, रफ पार्ट। अब एक क्वेश्चन और है इसका, एक्सरसाइज का, ये क्या है, वाई क्यूब प्लस वन अपॉन एट वाई क्यूब। सॉल्यूशन क्वेश्चन एज इट इज ऐसे लिख दिया, वाई क्यूब प्लस वन अपॉन एट वाई क्यूब। अब ये वाई क्यूब वाई का होल क्यूब प्लस एट वाई क्यूब का, एट क्या होता है, एट इज इक्वल टू टू इंटू टू इंटू टू इज इक्वल टू टू का क्यूब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन अपॉन टू वाई का होल क्यूब। एट वाई की, एट वाई क्यूब की जगह पे क्या लिख देंगे, टू वाई का होल क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसे जो है हम वाई क्यूब प्लस वन अपॉन टू वाई का होल क्यूब, ये भी ये अब जाकर के ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई बात नहीं, लेकिन ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। फॉर्मूला यूज करेंगे, ये क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या, सबसे पहले क्या हो गया, वाई प्लस वन अपॉन टू वाई, पहला पार्ट उसका ये हो गया। दूसरे पार्ट में ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, वाई स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, बी क्या है, वन अपॉन टू वाई प्लस बी का स्क्वायर, वन अपॉन टू वाई का स्क्वायर, ठीक है, वाई प्लस वन अपॉन टू वाई, एक फैक्टर तो ये हुआ। दूसरा फैक्टर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये वाई और वन अपॉन टू वाई, वाई वाई कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाई और वाई कट गया माइनस वन अपॉन टू हो गया प्लस वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर हो गया। अल्टीमेटली हमारा वाई प्लस वन अपॉन टू वाई, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर, वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। y प्लस वन अपॉन टू वाई, वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर वाई स्क्वायर। प्रैक्टिस सेट 6.2 फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 17 ए क्यूब प्लस एट अपॉन ए क्यूब, इसे सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एजिटीज यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इसका बी इसका होल क्यूब को कैसे करेंगे, एट अपॉन ए क्यूब, तो एट जो है क्या होता है, एट टू इंटू टू इंटू टू, टू टू द फोर टू द एट, उसको टू होल क्यूब भी लिख सकते हैं, तो ये टू अपॉन ए होल क्यूब हो गया। एट डिवाइडेड बाई ए क्यूब की जगह पे क्या लिख दिया हमने, टू अपॉन ए होल क्यूब। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर के फार्मूला के ऊपर के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर का फॉर्मूला, ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए प्लस टू अपॉन ए, उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए की जगह पे तो ए ही है, बी की जगह पे टू अपॉन ए है, माइनस बी का स्क्वायर, टू अपॉन ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ए प्लस टू ए, ए स्क्वायर, ये ए कट गया तो ये माइनस टू हो गया, माइनस टू, और ये प्लस टू अपॉन ए का स्क्वायर, तो टू अपॉन ए का स्क्वायर ये कितने के बराबर हो जाएगा, फोर, टू टू जा फोर और ए का स्क्वायर फोर स्क्वायर, ये तो ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन,
ए क्यूब प्लस एट अपॉन ए क्यूब का फैक्टराइजेशन हो गया, ए प्लस टू अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू फोर अपॉन ए स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस क्यू क्यूब प्लस अपॉन डिवाइडेड बाई 125। सॉल्यूशन 1 प्लस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो एक वन की जगह पे क्या लिख दिया, वन क्यूब, कोई फर्क नहीं है, 1 × 1 × 1 मल्टीप्लाई करने के बाद ये अल्टीमेटली 1 ही होगा, तो 1 क्यूब लिख सकते हैं इसको। क्यू क्यूब भी सही है। अब 125 को क्यूब के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 125 को क्यूब के फॉर्म में कैसे लिखें, सबसे पहले फैक्टर इसका निकाल लेते हैं, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25। अब थोड़ा पता कुछ समझ में बात आ रही है यहाँ पे, 125 क्या हो गया, 5 × 5 × 5 हो गया, और 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो अब जो हमारा मसला था कि 125 को क्या करें यहाँ पे, 5 क्यूब की यहाँ क्या लिख देंगे, 5 क्यूब प्लस क्यू अपॉन 5 क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका। अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑलरेडी फैक्टर का फॉर्मूला याद हो चुका होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी, 1 + q/5 हो गया, उसके बाद ए स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या होता है, मिडिल टर्म माइनस होता है, 1 × a × b, उसके बाद ये टर्म प्लस होता है, b का होल स्क्वायर। इसमें एक टर्म माइनस होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में मिडिल टर्म जो बड़ा वाला पार्ट होता है उसका मिडिल टर्म माइनस होता है, 1 + q/p, अभी क्या हो गया, 1 − q/p, q/5 प्लस q² / 25, जिसका आंसर आ गया 1 + q³/125 का क्या फैक्टर आया, 1 + q/5, 1 − q/p प्लस q² / 25। तो ये हमारा डायरेक्टली सेट 6.2 कंप्लीट हो चुका। ओके, थैंक यू। अगर हमारा ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।